पर संघ प्रमुख भागवत के बयान पर ऐसे ही प्रहार हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी पर कहा था कि लिंचिंग शब्द के जरिए देश को बदनाम किया जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है। भागवत के इस बयान पर ओवैसी और दिग्विजय सिंह सहित तमाम कई विपक्ष के बड़े नेता अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि शब्द भड़काऊ है या वो भावनाएं जिनके भड़कने पर लोगों की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है। आज इसी मुद्दे पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तब्रेज अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी, पहलू खान और मोहम्मद अखलाक 5 सालों के दरमियान गो तस्करी, बीफ खाने और चोरी के शक में सरेआम मार दिए गए अनेक लोगों में ये वो 4 नाम हैं जिनका जिक्र आते ही मॉब लिंचिंग पर बहस छिड़ जाती है। मॉब यानी भीड़, और लिंचिंग मतलब किसी को बेवजह मार देना। राजस्थान से लेकर झारखंड तक उन्मादी भीड़ ने इन सभी को वैसे ही अपना शिकार बनाया। मगर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुताबिक हिंदुस्तान में भीड़ की ऐसी करतूत को मॉब लिंचिंग नहीं कहा जाना चाहिए। कि एक महिला को ऐसे ही पत्थरों से मारने के लिए जुट गए एक गांव के लोग, तो वहां ईसा मसीह पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसको पापी है इसलिए आप पत्थर मार रहे, तो ठीक है मारो, लेकिन जो जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर उठाए। तो सब लोगों को ध्यान में अपनी गलती आई। तो ये घटनाएं कहां की है? जहां की है वहां उसके लिए शब्द है। हमारे यहां ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये छुटपुट समूहों की घटना है जिन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विजयदशमी पर नागपुर में संघ प्रमुख के इस बयान से 5 दिन पहले ही बिहार के मुजफ्फरपुर में फिल्मकार मणिरत्नम और अनुराग कश्यप समेत उन 50 हस्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिन्होंने मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ जुलाई महीने में प्रधानमंत्री को खुला खत लिखा था। और अब भागवत के बयान पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है। जब से बीजेपी की सरकार बनी, एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है। और अगर आज मोहन भागवत ये कहती है कि मॉब लिंचिंग का ताल्लुक हिंदुस्तान या भारत से नहीं है, नहीं मिस्टर मोहन भागवत, मॉब लिंचिंग का ताल्लुक भारत से है। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद क्या दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या वो क्या था फिर? वो एक एक सिख को चुन चुन कर मारा गया था। क्या 2002 जब उस वक्त चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी थे, क्या कत्लेआम नहीं हुआ? भागवत ने कहा कि भारत विविधता वाला देश है, जहां मॉब लिंचिंग के नाम पर कुछ लोग समाज की एकता खत्म करना चाहते हैं, जिस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उन्हें एकता का पाठ पढ़ाने उतर आए। हमारे देश में जो विविधता है वो भी है, हमारे देश का भूषण है, परंतु ऐसी शक्तियां और इसका लाभ लेकर दूरियां बढ़ाती है, एक को दूसरे से अलग करने की कोशिश करती है, विविधताओं को भेदों के रूप में देखती है, भेद पहले से है उनको और भड़काती है, उसके आधार पर समाज की दूरियां बढ़ाती है। जिस दिन मोहन भागवत जी एकजुटता का संदेश देकर उसका पालन करने लगेंगे, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, मॉब लिंचिंग भी खत्म हो जाएगी, नफरत भी खत्म हो जाएगी, प्रेम और सद्भाव और महात्मा गांधी का रास्ता अपना लेगी, इस दिन हमारी सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। मॉब लिंचिंग के नाम पर देश को बांटने और बदनाम करने की जो बात भागवत ने कही है, पीएम मोदी ने झारखंड में तब्रेज अंसारी की हत्या के बाद करीब करीब वैसी ही बात संसद में कही थी। युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना ये शोभा देता है क्या? आंकड़ों के मुताबिक 2014 से पहले भी कई जगहों पर कई लोग भीड़ के कहर के शिकार बने हैं और 2014 से अब तक लिंचिंग की करीब 150 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 68 लोगों की मौत हो चुकी है
भीड़ की हिंसा का शिकार बने 50% लोग मुस्लिम थे, यानी भीड़ की हिंसा का शिकार गैर मुस्लिम भी बराबर बने। मगर जिस तरह कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ देते हैं, उससे पाकिस्तान के लिए भी मॉब लिंचिंग हथियार बन जाता है। यहाँ आपको जानवरों की तरह रखा जाएगा, कहीं किसी ने गाय का किसी को पर इल्जाम लग गया कि गाय का गोश्त खाया है, उसको आरएसएस के गुंडे सड़कों पे कत्ल करेंगे और उनको कोई अदालत हिंदुस्तान की सजा नहीं देगी, ये पैगाम दे रहे हैं आप। सवाल है कि क्या मॉब लिंचिंग के पीछे पाकिस्तान की भी कोई चाल या साजिश है, क्योंकि जिन लोगों को भागवत की बातों पर एतराज है उनके आरोप और बयान पहले भी पाकिस्तान का हथियार बनते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, दीन धर्म नहीं होता, फायदा लिंचिंग करने वाली भीड़ उठा लेती है। सवाल ये उठता है कि आखिर इनको उकसाता कौन है, भड़काता कौन है? जी हां, जवाब सबको पता है। जी हां, आपको भी पता है, देश को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। भीड़ यानी कि लिंचिंग एक शब्द क्या कहा गया, वो भी संघ प्रमुख ने क्या कहा, बवाल मच गया। इसी पर मचा है देश का सवाल और मैं लेकर इसी पर आज चर्चा और बहस करूंगा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, मेरे साथ स्टूडियो में सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ संघ का पक्ष रखने के लिए समीर चौगावकर, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा साहब, और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए दीपक झा, और हैदराबाद से, जी हां हैदराबाद से इलियास शराफुद्दीन साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल समीर आपसे, लिंचिंग शब्द ये भारत का नहीं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी संघ प्रमुख को विजयादशमी के मौके पर कहना पड़ा? मुझे लग रहा है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो विजयादशमी के दिन और संघ के स्थापना के दिन नागपुर से जो भाषण दिया है, बौद्धिक दिया है, उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ देश को संदेश दे दिया है कि लिंचिंग से संघ का, हिंदुस्तान की संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है। यह एक विदेशी शब्द है और यह जो लिंचिंग करते हैं, जो लिंचिंग का नाम दिया जा रहा है बार बार एक शब्द निकाल के, उसका भारतीय संस्कृति के लोगों से कोई लेना देना नहीं। हमारी विविधता में एकता की संस्कृति है, यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, और यह कौन लोग है जो लिंचिंग की बात करते हैं? यह वह लोग है जो देश की एकता में भरोसा नहीं करते, जो देश की विविधता के अंदर एक भेद देखकर लोगों के बीच लड़वाने का काम करते हैं, उनके बीच भेद उत्पन्न करते हैं और देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं, जो देश के परम वैभव को देखना नहीं चाहते, जो देश की मान प्रतिष्ठा को दुनिया में देखना नहीं चाहते, जो दुनिया में भारत की बढ़ती हुई ताकत और सम्मान को देखना नहीं चाहते, यह वही तत्व है जो लिंचिंग के आड़ में इस तरह की घटनाएं करते हैं और समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। हो सकता है कि दो समुदायों के बीच में कुछ हिस्से के आपस में झगड़ा हो, लेकिन उस झगड़े को एक सांप्रदायिक रंग दे देना, लिंचिंग का नाम दे देना, उसको न होने के बाद भी उसको उसी रंग में रंगना, किसी और कारण से झगड़ा हो उसको दो एक किसी एक समुदाय को बदनाम करने का काम करना, यह समाज के असामाजिक तत्व करते हैं। इसके लिए मोहन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून है, कानून की कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और जरूरत पड़े तो और कठोर कानून बनना चाहिए। जी, कठोर कानून बनना चाहिए। इलियास साहब, आपकी पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि संघ प्रमुख ने कह दिया? जी, मैं मनीष ये कहूंगा, समीर की बात बिल्कुल सही है, लिंचिंग का हिंदू हिंदुस्तान से लेना देना नहीं, आरएसएस और हिंदुत्व से लेना देना है, इसीलिए उसके लोग जाकर लिंचिंग करने वालों को हार पिलाते हैं, उसीलिए उसके लोगों को पार्लियामेंट पहुंचाते हैं आरएसएस बीजेपी, और ये लोग भारत की गरिमा को कौन गया है पार्लियामेंट में लिंचिंग का आरोपी? हिंदुस्तान अच्छा है, अरे आप बताइए पार्लियामेंट में कौन गया है? आतंकवादी आ रहे हैं। हाँ, इनको भड़काने वाले जरूर पार्लियामेंट है, बिल्कुल ओवैसी जरूर पार्लियामेंट में है जो लिंचिंग के लोगों को भड़काते हैं, कि आरएसएस की आइडियोलॉजी में ओवैसी है ना सांसद में लिंचिंग के लोगों को भड़काने वाले हिंदू, आपने बराबर कहा ऐसे लोग सांसद में जाते हैं, आरएसएस वाले आपका कहना सही है, ओवैसी सांसद में गए हुए इस तरह के मानसिकता के लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, समीर नाम के बच्चे को देश को बदनाम करने का काम करते हैं, समीर देश के सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम करते हैं, देख के बाहर निकलो कहीं तुम्हारा बाजा ना बच जाए, क्योंकि माहौल में जहर फैला दिए तुम लोग, किसका काम है आप लोगों का काम है? और ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है,
हिंदुत्व जहर और आतंकवाद है। इलियास साहब, हिंदुत्व जहर और आतंकवाद सुदेश, मेरा कम से कम बोलने के पहले इलियास साहब सोच सो लेते। आप इनको इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं, हमें तो लगता है कि नॉलेज अगर होता है इनको तो ये इस तरह की बात नहीं करते। हिंदुत्व को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और हिंदुत्व इस भारतवर्ष की ताशीर है। आप हिंदुत्व को नहीं समझते हैं तो हम लोगों से समझ लीजिए, डिबेट कर लीजिए। हिंदुत्व आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ इस्लाम के बारे में भी कितना पता होगा, कभी उस पर भी बात कर लेंगे आपसे नहीं। तो आप जितने भी इस्लाम के नाम पर मजहबी हिंसा हो रहे हैं पूरे विश्व में, उसको आप कंडेम करते, आप नहीं करते हैं। आप लिंचिंग में भी हिंदू और मुसलमान देखते हैं, आपका प्रॉब्लम ये है। और ये जो इंटेलेक्चुअल्स ने लिखा था प्रधानमंत्री को, उसमें भी लिंचिंग पर उन्होंने दलित और मुसलमान के लिंचिंग की बात की थी। वो लिंचिंग से उनको प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू लिंच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है उनको, उनको प्रॉब्लम है कि मुसलमान और दलित का लिंचिंग नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब, अगर आप वाकई भारतवर्ष के बारे में सोचते हैं और भारत की संस्कृति से थोड़ा वास्ता रखते हैं तो लिंचिंग अपने आप में ये शब्द ऐसा मॉब वायलेंस की आप बात कर रहे हैं ना। आप ये बताइए कि मॉब वायलेंस क्या पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में? बुरा लगता है कि हमें मॉब वायलेंस पर आपको स्टेटिस्टिक्स देना पड़ेगा, आपको ये बताने के पहले कि 2014 के पहले भारतवर्ष में क्या होता था। आपको कुछ आंकड़े गिना देता हूँ। 2013 में 14 मॉब वायलेंस के लिंचिंग के ऐसे इंसिडेंट्स आए थे जो अखबारों में थे। 2012 में 16 थे, आपको ये पता होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल में 1982 से 84 के बीच में 630 लोगों को मार दिया गया लिंच करके। इसके बारे में आप नहीं बोलते हैं, आप बहुत सेलेक्टिव हैं, आप सेलेक्टिव अमनेसिया से समझ करते हैं। इलियास जी, इलियास जी, आपकी आर्गुमेंट पर नहीं खड़ा होगा ना साउदीन, ओवैसी की आर्गुमेंट पर खड़ा होगा। आंकड़ों की अगर बात की जाए सुदेश जी, इलियास साहब, अरे इलियास साहब, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 50% अगर अल्पसंख्यक है तो 50% गैर अल्पसंख्यक भी है, तो इस तरह का आरोप लगाना कि सीधे तौर पर अल्पसंख्यक इसका शिकार होता है, मुझे लगता है गलत है। दीपक झा, इस बीच मेरे साथ अजय शुक्ला चीफ एडिटर डिजिटल आईटीवी नेटवर्क, वो भी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। दीपक झा, किस एज ग्रुप का की बात करते हैं? आपके नेता कहते हैं महात्मा गांधी का रास्ता अपनाया होता, क्या आपने कभी अपनाया? अरे महात्मा गांधी के केवल पुतलों में, प्रतिमाओं में, सिक्कों में, टिकटों में और नोट पे गांधी जी को छाप कर आप लोग अपना। मनीष जी, आपने महात्मा गांधी का नाम लिया तो मैं कबीर का नाम लूंगा। ये लोग क्या करते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ वाली बात हो गई। ये पत्थर पूजते हैं उसके नाम पे भगवाधारी हो गए। आप नहीं पूछते क्या? मैं वही कह रहा हूँ, हिंदू का क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या? पाथर पूजे हर मिले, आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं भाई साहब। सुनिए, पत्थर कौन पूछता है? सुन लीजिए आप, हम लोग हर व्यक्ति आर्य समाज भी है, आर्य समाज भी है, आर्य समाज से जाके पता होना चाहिए। पूछते हैं आर्य समाज से, पूछे आपके खिलाफ बोल सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ, पूजा करते हैं आपका हिंदू, पूजा करते हैं हवा की पूजा करते हैं। अभी इलियास ने क्या कहा? पूजा करते हैं हिंदू तो जहर है, वो आरएसएस का हिंदू तो जहर है। एक गर्व से हिंदुस्तानी और हिंदू, मैं महात्मा गांधी के हिंदू राष्ट्र पे चलता हूँ, आपके भाजपा और हिंदुज्म एक बात बताइए आप पत्थर की बात कर रहे हैं, पेड़ की बात कर रहे हैं, आप यज्ञ की बात कर रहे हैं, आर्य समाज की बात कर रहे हैं, ये बताइए आप लगातार रंग क्यों बदलते हैं? जब भी बीजेपी की डिबेट हो, संघ पर डिबेट हो, आज आपकी सदरी जो है, मैं इसे सदरी कहूंगा, जैकेट नहीं, शब्द का बड़ा खेल और महत्व होता है, बोले, ये सदरी आपकी भगवा कुछ कहती है? बिल्कुल, ये भगवा कहती है, तिरंगे का रंग है और तिरंगा जो है त्याग तपस्या का प्रतीक है। इनके यहाँ पे कैसे भगवाधारी होते हैं जो बलात्कारी होते हैं, जेल में जाते हैं। अरे मर्यादा की चुप रही है, इनको सबको चुप कराइए। और बलात्कारी के मुसलमान नहीं होता, अजय उमाकांत लखेड़ा साहब और अजय शुक्ला जी के पास भी जाना है। उमाकांत जी, राष्ट्रीय सेकुलर संघ लगता है आपको?
किसी राष्ट्रीय सेक्युलर संघ जी आरएसएस की बात कर रहा हूँ, उसी पर तो बचा है बवाल। देखिए जो बयान जो चर्चा आपकी हो रही है वो मोहन भागवत जी के अरे इलियास साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जो उन्होंने दशहरे के मौके पे दिया था जी जी। और मैं मानता हूँ जो जो सिचुएशन है, जो देश की स्थिति है, उसमें ये देश जो है मिस्टर ओवैसी के हिसाब से नहीं चलने वाला है, ये कोई दिग्विजय की लाइन पे नहीं चलने वाला है, ये देश जो है देश की जनता के हिसाब से चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये देश जो है आरएसएस के हिसाब से भी चलने वाला है। संघ हमेशा कहता है और दूसरी बात के हिसाब से चलेगा। मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूं, मैं चाहूंगा कि मेरी बात दो मिनट के लिए सुनी जाए। देखिए जो भी आपने मुद्दा उठाया, जो बहस हुई है, उसमें मोहन भागवत जी का जो बयान है वो मैं उसके मेरे गले नहीं उतरा है, सेंस में नहीं उतरा है कि उनको इस तरह के बड़े संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात बोली और उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग को उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की कि ये विदेशी शब्द है। मान लिया हमने ये विदेशी शब्द है, लेकिन सवाल ये कि जो जड़ है, जो मूल है, जो समस्या है और जो असली जो जिसको कहते हैं नासूर है कि वो सामाजिक बुराइयां हैं, विभेद की, समाज को तोड़ने की, मॉब लिंचिंग की, घृणा की, उस जो 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 नफरत और घृणा जो फैल रही है असली मुद्दा वो है। मॉब लिंचिंग ये सच है, जैसे सुदेश जी ने बोला कि बहुत पहले भी हुई है, कांग्रेस के जमाने में भी हुई है, और जो समझदार लोग आए वो आगे आए, उन्होंने कहा कि ये गलत है, आप किसी समुदाय विशेष के लोगों को, किसी उन्माद के बेकसूर लोगों को आप हिंसा का शिकार नहीं बना सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन साथ साथ जो विजयदशमी पर जो भाषण हुआ उसमें मोहन भागवत साहब ने आर्थिक नीति पर भी अपनी नजर घुमाई और कहा कि ये तो बड़ा ये तो हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, जबकि देखिए वो इकोनॉमी को कंट्रोल कोई मोहन भागवत जी नहीं कर रहे, इकोनॉमी को कंट्रोल, इकोनॉमी को देश की सरकार कंट्रोल कर रही है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, एक चीज है उमा खान जी, उमा खान जी इस पे बात कर रहा हूँ, शिक्षा के ऊपर का मैं हम भाषण पे नहीं, हम संघ प्रमुख के भाषण पर चर्चा और बहस करने नहीं बैठे, हम केवल लिंचिंग शब्द, मुझे अजय शुक्ला जी के पास भी जाना है। मैं पूरी बात मोहन भागवत जी के बयान से ऐसा लगता है कि वो संघ जो है बीजेपी को बीजेपी की बी टीम बना रहा है अपने को, ये जो रवैया है संघ किसी की बी टीम नहीं है। और ये हमने सुना है, हमने संघ को कवर किया है, हमने कहा गया है कि संघ जो है समीर जी अजय शुक्ला के पास मुझे चंडीगढ़ जाना होगा, ये अजय जी संघ जो है अजय जी फॉलो कर रहा है, ये गलत है अजय जी, क्या पेरेंट और ये हमने सुना है, हमने संघ को कवर किया है, हमने कहा गया है कि संघ जो है समीर जी अजय शुक्ला के पास मुझे चंडीगढ़ जाना होगा, अजय जी संघ जो है अजय जी फॉलो कर रहा है, ये गलत है अजय जी, क्या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कभी बीजेपी की बी टीम बन सकती है? नहीं, मुझे लगता है देखिए मनीष, ये सोचना कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरीके से आरएसएस काम कर रही है, ऐसा मुझे लगता है गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक की तरह से काम करती रही है, ये बात हम सब जानते हैं, लखेड़ा साहब भी कवर करते रहे हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी कि मोहन भागवत कल जो है अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे, और अपने लोगों को संबोधित करते हुए वो यह बता रहे थे कि मॉब लिंचिंग जो शब्द है वो बाहर से आया शब्द, उनका कहने का जो आशय था वो ये था कि बाहर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती थी, वो घटनाएं हो रही हैं और वो एक साजिश का हिस्सा है, हिंदुस्तान की संस्कृति में मॉब लिंचिंग नहीं थी, यह समझाने की उन्होंने कोशिश की है। और इस कोशिश के तहत उन्होंने यह बताया है कि यह एक साजिश है और इसे रोकना चाहिए, इस घृणा को रोकना चाहिए, और उसको लेके जो समझाने की कोशिश की है और उस पर जो प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है वो निश्चित रूप से कहीं पर भी उचित नहीं है, बल्कि हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए था कि बिल्कुल सही है, यह एक साजिश है और साजिश के तहत ये घटनाएं होती हैं, और उस साजिश में अजय जी साजिश के पीछे कौन दिखाई देता है आपको? सुदेश जी आपके पास इससे नुकसान देश को, अजय जी एक संक्षिप्त जवाब, साजिश के पीछे किसका चेहरा दिखाई देता है? कि
बिल्कुल साजिश के पीछे वो सारे लोग हैं जो देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, और उसमें निश्चित रूप से तमाम सारे वो तत्व शामिल है, वो कुछ भाजपा से भी रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ कांग्रेस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा, क्या ये शब्द की आड़ में भारतीयों पर थोपा जा रहा है कि भीड़ तंत्र यहाँ पर अभावी होता है? देखिए, ये बिल्कुल हकीकत है, इस बात को समझें, संदर्भ समझें, और क्या उन्होंने कहा उसको स्ट्रेट वगैरह बोला जाए तो इसको साजिश बना के भारतवर्ष को बदनाम किया जा रहा है। और आपने देखा कि इमरान खान ने पाकिस्तान में क्या बोला, लग रहा है वो पाकिस्तान में आपको इसमें भी भारत भी पड़ोसी की साजिश दिख रही है। आप बताइए हमारे यहाँ के क्या, हमारे यहाँ के लोग उनका हमारे यहाँ के लोग जो कर रहे हैं, आप सीधे बोलिए, जाने जाने में बोल रहे इंटॉलरेंट इंडिया वाले जो टुकड़े टुकड़े कह रहे जो भागवत बोल आज तक वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और इन्होंने इंडिया हिंदुस्तान का पकड़ा खड़ा किया, हिंदुस्तान में हमने हमेशा कंडीम किया, हमने ज्यादा बताइए राज्य के क्या बोलते हैं, मोहन की बात है, मोहन भागवत जी नहीं सकते आप बताइए झारखंड में तमिलनाडु में सब बताइए बिहार में दीपक झा आपका गला कि हत्या रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए। मॉब लिंचिंग का हिंदी क्या है, मोहन भागवत जी बताएंगे क्या? अरे यहाँ छोड़िए, आप बताइए उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे राजस्थान हरियाणा में मॉब लिंचिंग जितनी घटनाएं, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है, दीपक मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने अपने बौद्धिक में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लिंचिंग शब्द विदेशी शब्द है, इसका हमारे देश से कोई लेना नहीं है। समीर हत्या रोकने के लिए अगर मनीष जी दो समुदायों को पानी बोलेंगे, पानी हिंदुस्तानी शब्द है, जल हिंदुस्तानी शब्द है, अगर इसको आप वाटर बोलेंगे तो वाटर हिंदुस्तानी है, आप सुन लीजिए काम करें, क्या बोलेंगे वाटर इलियास साहब इलियास साहब, ये एक साजिश के तहत, ये जो लिंचिंग शब्द है ये एक साजिश के तहत आप जैसे कुछ लोग, मैं आपको नहीं कह रहा अन्यथा ना लीजिएगा, आप जैसे लोग नहीं, आप जैसी विचारधारा रखने वाले लोग इस तरह से संघ और हिंदुत्व वाले विचारधारा पर थोपते हैं। मनीष, लिंचिंग में मारने वाले, उनको बचाने वाले, उनको हार पिलाने वाले बीजेपी आरएसएस बीएचपी बजरंग दल के लोग जी नहीं, आतंकवाद वाले लोग हैं, जो सिर्फ अपने धर्म की बात करते हैं, दूसरे धर्म की बात करते हैं, वो लोग हैं। ये बात आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा, राजस्थान में हरियाणा में सीधे गड्डी काटने के लिए सीधे तौर पर ये कह दिया जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय थूथू नहीं हुई, मैं अंतर्राष्ट्रीय उमाकांत जी, उमाकांत जी, समीर जी, समीर जी, उमाकांत जी, मुझे
लग रहा है, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बहस है ये थोड़ा सा पटड़ी से भटक गई लगती है मेरे को, क्योंकि मैं इसमें इस बहस में शामिल हूं। देखिए, शब्दावली किसी चीज को शब्दों में प्रकट करना, संबोधन करना, और वो घटना होना या घटना से जुड़ा हुआ कोई बात होना, जैसे देखिए कि एक शब्द है रेप, अंग्रेजी का शब्द है हमारे, और रेप एक सामाजिक बुराई है, तो रेप सामाजिक बुराई है तो हम क्या, और हिंदी में भी लिखा जा रहा रेप शब्द लिखा जा रहा है, आमतौर पर अखबारों में लिखा जा रहा है, तो क्या हम एक तो सामाजिक बुराई के खिलाफ उन्मूलन हो, सामाजिक बुराई के खिलाफ उन्मूलन हो, हम मुझे अजय शुक्ला के पास चंडीगढ़ चलना होगा। अजय शुक्ला, अजय शुक्ला संघ प्रमुख ने कल और एक बात कह दी कि हमें हिंदू राष्ट्र की ओर बनाने की ओर बढ़ना है, तो आपको लगता है कि इस तरह की विचारधारा को लेकर जब ऐसे मसले आते हैं तो चीजें बढ़ जाती हैं? मनीष, एक चीज समझनी पड़ेगी, हिंदू शब्द को उन्होंने पहले डिफाइन किया है, उन्होंने ये कहा है कि हिंदू है कौन, उन्होंने कहा है वह हर व्यक्ति हिंदू है जो हिंदुस्तान में रहता है, तो जो हिंदुस्तान की सीमा में रहता है, सिंधु घाटी की से इधर रहने वाला वो हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हिंदू है, और जब उन्होंने इस बात को पहले डिफाइन किया और उसके बाद में उस हिंदू संस्कृति को हिंदू कहा है, तो जब हिंदू संस्कृति को हिंदू कहा है और यहां रहने वालों को हिंदू संबोधित किया है, तो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने वाला उसमें कहीं किसी जात या धर्म से लेना देना मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, जैसा उन्होंने कहा, डिफाइन किया। तो उन्होंने अपनी बात में बार बार ये बात कही है, आप चाहे जहां कहीं के उद्बोधन सुन लीजिए, तो मुझे इससे लगता है कि उस चीज को लेकर के हमें चर्चा करने के पहले उसके आगे और पीछे को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ बुराई करने के लिए, आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए। रही बात यदि उन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से कहा है, जिस धर्म को लेकर के डिफाइन किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो गलत है, यह सेकुलर राष्ट्र है और वही रहेगा, सबका है, लेकिन उन्होंने जैसा कि उसके पहले और बाद में कहा है उसको यदि देखा जाएगा, तो उन्होंने उस हिंदू धर्म सनातन है, इतना भी पता है आपको, धर्म सनातन है, संस्कृति हिंदू है, आपके सहयोगी जवाब दे रहे हैं, आपके सहयोगी सुदेश और फिर जवाब सवाल पूछ लीजिए भाजपा और आरएसएस से, महात्मा गांधी का क्या महात्मा गांधी कौन से हिंदुत्व की बात करता है? समीर आज समीर जवाब देने के भूमिका में है, सवाल पूछ सकते हैं, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार जी ने भी यह कहा था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, मोहन भागवत जी ने भी वही बात कही, बना रहे हिंदू राज्य की बात, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दो अलग अलग चीजें। दीपक भागवत, कोई बात अगर एकजुटता में अगर पिरोती है तो आपको तकलीफ है, आपके नेता भी यही कह रहे हैं, राष्ट्र होते हैं लिंच की माला बनाते हैं, लिंच की माला, और उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं, अब तो उद्धव ठाकरे भी बोलने लगे, आपको कैसे परेशानी थी? उद्धव ठाकरे ने कल अपनी विजयादशमी रैली में कहा है, मनीष जी मैं एक बड़े दसवीं रैली में तो उद्धव ठाकरे ने भी सुर बदल दिए, मैं शब्दों को शालीनता के साथ बोलना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने बोला तो मैं भी हिंदू हूं और मेरा जीवन पद्धति हिंदुत्व है, महात्मा गांधी के हिंदुत्व में और भाजपा के और आरएसएस के हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है, सुबह की जो महात्मा गांधी ने संघ की सुबह की प्रार्थना में महात्मा गांधी का
नाम लिया जाता है। आप लोग किस आदत से गांधी की आदत को लेकर आगे बढ़े? महात्मा गांधी के नाम पे राजनीति, एकात्मता जो सवेरे की प्रार्थना होती है उसको नाम दिया जाता है। महात्मा गांधी को भाजपा के लोग बयान में दिया था अंदर से महात्मा गांधी ने देश के सारे महापुरुष समीर जी गोपाल सम्मिलित गोपाल गोट से कौन था? गोपाल गोट से जवाब दे गोपाल गोट से दीपक झा बात हो रही है, बात हो रही है भीड़ तंत्र के कानून पे बात हो रही है। एक जवाब और देना, अरे माधुराम गोड़ से भाई गोपाल गोड़ से उसने बोला था मैं और मेरे भाई को आरएसएस है, तो ये लोग आरएसएस के लोग भाजपा के लोग देश को तोड़ने की राजनीति। सुनो आपने प्रश्न पूछा, बाकी और कोई आपने प्रश्न पूछा मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने कहा था संघ में तिरंगे का सम्मान नहीं है, मैं इस बात का आपको जवाब देना चाहता हूँ। संघ के स्वयंसेवक और राष्ट्रीय स्वयं संघ तिरंगा के जन्म के साथ उसके सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, जब देश के स्वतंत्रता के पहले पूर्ण स्वराज की बात हुई थी उस समय हेगड़ेवार जी ने संघ के सभी शाखाओं से कहा था कि शाप का संचालन तिरंगे के साथ किया जाए और दीपक झा गले को आराम दीजिए, गले को आराम दीजिए। वक्त सुनते ही नहीं, 135 करोड़ लोगों का प्रश्न पूछा संघ का, आपने प्रश्न पूछा में जाते हैं के लिए जरूरी है कि आप दूसरों को भी सुने। सुदेश वर्मा, मनीष जी का रोल अब अपनाना चाहते हैं, बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके ज्ञान का थोड़ा वर्णन मैं कर दूं। कानून चलाएंगे, पता होगा आप चलाएंगे भाई साहब, सुनिए सुनिएगा, मैं बोलूंगा नहीं। महात्मा गांधी जी ने एक किताब लिखा था हिंदू स्वराज, जिसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, उस किताब को पढ़ लीजिए और आरएसएस को पढ़ लीजिए। पढ़ने की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी नहीं पता है। फिर अगर महात्मा गांधी को आपने पढ़ लिया, आज को पढ़ लीजिए, गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, गांधी जी का नाम लिया जा रहा है और की हिंसा इतनी। मनीष जी मैं जवाब देता हूँ, मुझे लग रहा है दीपक जी ने संघ प्रमुख का भाषण सुना नहीं है। कल सरकार में अपने बात हमारे इलियास साहब पिछले 5 सालों के आंकड़े की अगर बात होती है, लगभग 150 मॉब लिंचिंग के केसेस आए जी हाँ भीड़ तंत्र के। इसमें 50% अल्पसंख्यक थे, वो 50% जो बंगाल जैसे राज्य देश के अन्य राज्य में हुए। आप नहीं मानेंगे कि इसके पीछे संघ या बीजेपी का कोई हाथ था या किसी हिंदूवादी संगठन का था। सारी बातों को थोप देना ये कहां तक जायज आपको दिखाई देता है? जितने लोग पकड़े जाते हैं सब भाजपा और आरएसएस के लोग होते हैं। ये कहां तक जायज आपको दिखाई देता है? जितने लोग पकड़े जाते हैं सब भाजपा और आरएसएस के लोग होते हैं। जो दर्ज है वो तो दर्ज है, वहीं पे बात हो रही है। दीपक झा इलियास जी को सुनते हैं, दक्षिण से आवाज आ रही है, दक्षिण की आवाज भी सुनना जरूरी है जी। बोलिए इलियास जी। मैं इतना कहूंगा संघ नाम लेता है महात्मा गांधी का, पूजा करता है नथुराम गोडसे और सावरकर की। बोला कोई प्रमाण है आपका? क्यों नहीं है? आपकी मनगढ़ंत बात है, आपकी गलत किताब पड़ी है। मदरसा से पढ़ के निकलेंगे आप? मदरसा से पढ़ के निकलेंगे? यही पढ़ाई देता है क्या वहाँ? अरे आपने अगर सही पढ़ाई की होती तो ये आप नहीं बोलते।
आपको पता होना चाहिए कमीशन बैठा था, पूरा इंक्वायरी हुई थी, ये थ्योरी गलत पाया गया। आपको ये भी नहीं पता है, जो मर्जी बोल दीजिए, जो मर्जी आप वहाँ बोल दीजिए, आप मेजोरिटी के जो चाहिए आप बोलिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। निंदा हो जाती है, बात हो जाती है, लेकिन इसके रोकने को लेकर जो प्रयास होने चाहिए, मॉब लिंचिंग की आड़ में जो हिंदू मुस्लिम होता है, मुझे लगता है वो ज्यादा घातक है। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये सोल्यूशन आपके टीवी के माध्यम से बताऊंगा कि जब जब राजनीति के जो लोग हैं, जो वोट चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, वोट की राजनीति में शिरकत करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जब वो धर्म की व्याख्या करना शुरू करेंगे चुनाव प्रचार में, विधानसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, तो निश्चित ये मॉब लिंचिंग का ये जो नासूर है ये खत्म नहीं होने वाला। ये जो राजनेता हैं, जो सत्ता को स्वभाव बढ़ा रहे हैं, ये लोग धर्म के नाम पर, वोट पॉलिटिक्स के नाम पर ये पोलराइज कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, कड़ी निंदा, और मैसेज ऊपर से जाता है। मुझे बहस खत्म करनी है समीर जी, मुझे बहस खत्म करनी है। ये कड़ी निंदा भी बड़ा अजीब लफ्ज है। जी हाँ, अगर ये हिंदी शब्दकोश में नहीं होता तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर नेता अपनी नाकामयाबी की आड़ कैसे लेते। जी हाँ, हर शख्स दौड़ रहा है उस भीड़ की तरफ, फिर ये पूछता है कि रास्ता मिलेगा। जी हाँ, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल खुशबू चौहान ने मानवाधिकारों के नाम पर शोर शराबे को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि कभी कभी शक्ति का प्रयोग जरूरी भी होता है। उनकी आक्रामक शैली की काफी चर्चा हुई। अब उनका जवाब असम राइफल्स के जवान बलवान सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि बहादुरी किसी को मारने में नहीं बल्कि बचाने में है। जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। मानव अधिकारों के मंत्र को केवल मंचों पर ही मत गाओ, बल्कि इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाओ। हिंसा की बातें करते हो मानवता के रखवालो, ये कौन सा सैनिक धर्म है, जरा हमें भी बतलाओ, जरा हमें भी बतलाओ। वे सुरक्षा बल जिन्होंने अपने राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर हाथ में धार्मिक ग्रंथ लेकर मानव और मानवता की रक्षा करने की कसम खाई हो, वे सुरक्षा बल जिनसे ये उम्मीद लगाई जाती हो कि वे अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ आम लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। लेकिन ऐसे में मेरे विपक्षी साथियों का इस मंच पर खड़े होकर यह कहना कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ संघर्ष में मानवाधिकारों का अनुपालन कर पाना असंभव है, तो फिर आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा कौन? काबिल साथियों, बहादुरी मारने में नहीं बल्कि बचाने में होती है, और यदि बम बारूद और बंदूक के दम पर ही शांति स्थापित की जा सकती तो अब तक पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शांति स्थापित हो गई होती। लेकिन नहीं मेरे साथियों, नहीं, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा और प्यास से जीता जा सकता है। खुशबू अगर राइट तो बलवान करेक्ट दिखाई दिया। जी हाँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा आंख कान खोल के।